हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो पे। और मैं जा रहा हूँ अमरनाथ यात्रा। तो खुशकिस्मत है कि मैं जा पा रहा हूँ, कहे कि मैं सोच रहा था केदारनाथ जाते हैं, मगर फिर वो कैंसिल हो गया। और फिर अचानक से भैया थे, वो बोले जा रहे हैं अमरनाथ, तो मैं उनके साथ रेडी हो गया जाने के लिए। ये था मोरल ऑफ द स्टोरी। और उससे अमरनाथ पहले जाने से पहले 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन होता है और 1 महीना पहले आपको टिकट कराना पड़ता है। तो टिकट तो मेरा हो गया है, टिकट ये रहा, विंडो टिकट है। अब भी विंडो टिकट कराए, रिफंड मिल जाता है अगर कैंसिल हुआ प्लान आपका। वहाँ जाने से जाते हैं तो कैंसिल भी हो सकता है ना, तो वो आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो विंडो टिकट कटा लेना आप, तो रिफंड हो जाता है। और ई टिकट में रिफंड कम होता है और उसमें रिफंड पूरा पूरा मिल जाता है। और ये रहा रजिस्ट्रेशन पेपर, जाने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये रहा यात्रा पर्ची और मेडिकल सर्टिफिकेट सब है। इसके बारे में जानना हो तो कमेंट करके बताना, इसके बारे में भी मैं बता दूंगा। और अभी चल रहा है मेरा पैकिंग, थोड़ा सा ग्रूम होना है, कल हो लेंगे। कल है मेरी ट्रेन, कल है 19 तारीख और 19 जुलाई 2023। और अचानक से मन बना चलने का, तो जा रहे हैं। अभी चल रहा है पैकिंग। पैकिंग के लिए मैं लेके जा रहा हूँ सब गर्म कपड़े, जैसा कि आप देख सकते हो, गर्म कपड़ा, रेनकोट, लोअर, ट्रैक पैंट, एक शर्ट, थर्मल, थर्मल इनर, ट्रैक पैंट, ट्रैक सूट, ग्लव्स, ये कैप, ये और इसमें एसेसरीज सब, ग्रूमिंग आइटम थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। लगेज 1 30 लीटर के बैकपैक में ही लेके जाना है, बस ज़्यादा नहीं सामान लेके जाना है, क्योंकि ट्रैक करना है वहाँ, तो वहाँ ब्रीथिंग प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। तो मेडिकल का कुछ सामान लेना है, तो मेडिकल के लिए जाना पड़ेगा अभी। और कुछ कुछ जैसे टूथब्रश वूथब्रश लेके जाना है, बाकी और कुछ नहीं लेके जाना है। 30 लीटर का बैकपैक है, वो लेके जा रहे हैं। अब कल ट्रेन है, कल ट्रेन से, इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैं पैकिंग करते हुए यहाँ से उधमपुर तक जा रहे हैं। तो अपन श्रीनगर उतर जाएंगे, श्रीनगर नहीं, जम्मू तभी उतर जाएंगे, तो वहाँ तक का सफ़र इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं मेडिकल, मेडिकल से कुछ कुछ मेडिसिन लाना है सर्दी खांसी का। वैसे तो मुझे कुछ है नहीं और चलना था, तो फिजिकल फिटनेस किया हुआ है मैंने, कुछ दिन पहले से चल रहा था, अभी बस रुका हुआ है, बारिश हो रहा है तो कुछ दिन से रुक गया है, 1 2 दिन से। तो वो भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, आज चलने वाले का थोड़ा चल के आना है, 5 6 किलोमीटर तो जाना ही है चलने शाम को। अभी तो बारिश हो रहा था, अभी जस्ट रुका है, तो पहले मेडिसिन वेडिसिन टिकट पैसे सब एटीएम से निकाल के लाने हैं, क्योंकि ट्रेन में कौन यूपीआई करते रहेगा, ठीक है। और ये बोलते बोलते 3 मिनट हो गया, तो चलो पैकिंग करता हूँ मैं, फिर आपसे मेडिकल शॉप में मिलते हैं। दोस्तों बैक पैक हो गया है और ज़्यादा नहीं है, इतना ही लेके जा रहा हूँ, और ग्रूमिंग का आइटम बचा है और जो पहन के जाने का वो है, और एक मसाजर ले लिया मैंने, ये कहीं ज़रूरत पड़ गया इससे मसाज करेंगे एक दूसरे से। तो ये था कुछ इस प्रकार, पैकिंग हो गया है। हेलो दोस्तों, आज है अब ट्रेन और पैकिंग भी रेडी है, मैं बस रेडी होता हूँ नहा के और ब्रेकफास्ट करते हैं नाश्ता, उसके बाद अभी बज रहे 10 और चलते हैं फिर ट्रेन स्टेशन, रायपुर स्टेशन, देखते हैं पैदल ऑटो या किससे जाते हैं, या गाड़ी है, गाड़ी से जाते हैं, देखते हैं। अब रेडी होना है, फट से रेडी होता हूँ, सेविंग कर दिया, एटीएम जाना है, पैसे निकालना है, तो बस अभी चलते हैं। चलो ट्रेन में बैठेंगे, फिर ट्रेन है अपना 11:45 को, मगर यहाँ से जाने में ट्रैफिक रहता है तो टाइम लग जाता है कभी कभी, तो चलो मिलते हैं फिर स्टेशन पे। चलो दोस्तों रेडी हो गया हूँ, चलता हूँ। अरे भाई नाम तो कर लिया हूँ एक बार, और चलो अब चलते हैं, निकलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जाता हूँ, चलो निकलते हैं। गाया ऑफ मनाली देख रहा था, अच्छा है, वहाँ भी पानी गिर रहा है तो आ गया फ्लड। चलो मिलते हैं स्टेशन में,
हाँ तो दोस्तों अभी ट्रेन आया है 4 घंटे लेट है, 4 घंटे ट्रेन लेट। और रायपुर स्टेशन में मैं अभी जस्ट बैठा हूँ। ये रहा ट्रेन, ये रहा थर्ड एसी, 1 2 3। नया कुछ है तो थोड़ा साफ सुथरा है, बाकी देखते हैं आप। बाकी खाना खाएंगे, 3 बज रहे अभी और आने का टाइम था 11 बजे, तो काफ़ी लेट हो गया है, तो देखते हैं। ये देखो खड़ा हुआ है, चलो ये देखो आ गए, जीजा जी भी आ गए हैं। हाय, अभी ट्रेन आया, 3:30 घंटा लेट में था। 3:30 घंटा लेट हो गया, खाना ना खाते, यहीं खाते हैं मस्त। कोई नहीं आया है अभी, मस्त आराम से बैठे हुए हैं और चिल्ड है एकदम एसी। कैसे जीजा जी? बहुत ज्यादा मजा आएगा, मजा आएगा अब जर्नी का, भले अब कितना भी लेट हो, लेट हो है ना। चलो छूटता है तो फिर मिलते हैं, अभी तो मजा आएगा। ओके, लंच करेंगे, लंच करते हैं तब मिलते हैं, क्या क्या लाया दिखाएंगे आप लोगों को। ट्रेन में खासियत अच्छा है ये नए कोच का, देखो बैठ के नीचे चार्जिंग दिया है, उधर भी चार्जिंग सॉकेट दिया है, बीच वाले और ऊपर वाले के लिए भी, तो ये 1-2 ऊपर वाले के लिए, नीचे इसके लिए, सबके लिए अच्छा है ये तो अच्छा। बाकी उधर भी है सॉकेट वॉकेट सब दिया है, उधर इंडिकेशन है अच्छा है। कोच काफ़ी अच्छा है, नया है और नया कोच में जर्नी करने का अलग ही मज़ा है। और छूट जाए ट्रेन तो मज़ा आया, लेकिन काफ़ी लेट हो चुका है, मस्त इंजॉय करते जाना है। मैं तो लेटूंगा, खाऊंगा, सोऊंगा एक पगड़। अब देखा जाएगा, आपको जहां भी रुकेगा दिखाता हूं, बिलासपुर में रुकेगा तो दिखाऊंगा। दोस्तों ट्रेन निकल चुका है रायपुर से, शुरुआत हो गया है और हम लोग अभी कर रहे हैं ना खाना, हम लोग का खाना भी हो रहा है 5:30 बजे। कैसे जीजा जी? हाँ मजा आ रहा है, जीजा जी तो पूरे लगे हुए हैं खीरा खाने में। भैया भैया हम लोग जा रहे हैं, भैया आपका नाम? चंद्रशेखर साहू। भैया आपका नाम? थानुराम साहू। माय नेम इज राजेश कुमार साहू, दिल्ली रायपुर। तो ये थे जीजा जी, भैया ठीक है। अब हम लोग, आप लोग देखना कैसा है जर्नी, बताते हैं। खाते पीते जा रहे हैं, देखो कीड़ा कट गया है बाकी, अरे वो समझना नहीं, गलत नहीं है। इडली है, इडली है, इडली 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 है, सांभर है, इडली रोटी नहीं ना, ना उसको सब्जी, इसको खत्म कर, ये मजा नहीं आ रहा है। व्यू एंजॉय कर रहे हैं मस्त, भैया मैं अनु भैया और खाने का मजा ले रहे हैं पूरा। इडली चल रहा है, घर का इडली, कैसे घर का इडली मजेदार सांभर के साथ। हाँ पूरा मजा आ रहा है, लोकेशन भी है मस्त, व्यू को एंजॉय करना है। बिलासपुर में फुल होगा, उससे पहले खा लेते हैं, लेट भी हो गया था दोस्तों, अपने में स्विच खराब हो गया था, सर आए हैं बनाने के लिए, यहाँ जीजा जी भी लग गए बनाने। भाई इलेक्ट्रिक वाले थे, इलेक्ट्रिक तो नाम करेंगे। मैं भी डीजल सीट से जम्बर खोल दो, इसमें डाल दो, शूज जी यहाँ रिप्लेस कर नहीं सकते ना। हाँ जीजा जी भी रेलवे में है, जरूरी है बताना भैया, कोच में ऐसा है, सब सुनसान है। भैया मीटिंग में ही फंसे हुए हैं। दोस्तों ट्रेन मुड़ रहा है उसलापुर के लिए अपना, जा रहा है अब, ट्रेन पहुंचने वाला है बस थोड़ी देर में पहुंच जाएगा सिटी के अंदर से, अब देखते हैं पहुंचेंगे। ट्रेन तो काफी लेट हो चुका है, जाता है दोस्तों।
बिलासपुर की ओर, उधर वाला लाइन बिलासपुर चले जाता है, और ये आ गया कोचिंग यार्ड। साफ सफाई होता है इधर, और इधर मुड़ जाता है। लगभग लगभग 5:30 हो गया देखो, और अभी बिलासपुर पहुंच रहा है, काफ़ी लेट हो गया है। अब ये वीडियो में अटैच होगा सब, और आप देख पाओगे। देखते हैं कब पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से लग रहा है 5-6-8 घंटा लेट होगा ट्रेन। वैसे बेनिफिट अपने को तो एक दिन बाद ही बस मिलेगा वैसे भी। ये देखो बिलासपुर, बिलासपुर आ रहा है, मतलब बिलासपुर नहीं हूँ, अलग है, उसलापुर जा रहा है ट्रेन, कट गया ना। ये इधर से आ रहा रायपुर साइड से कटने वाला, और ये बिलासपुर से कटते हुए आता है। ये वाला, वो वाला लाइन है, ये वाला लाइन। उसलापुर स्टेशन आ गया दोस्तों। अब सब भागा थोड़ी कर रहे हैं, देखते हैं 5-2 मिनट स्टॉपेज है। दोस्तों झांसी पहुंच गए हैं, और कैसा रहा सफर भी आपका? सफर तो अच्छा रहा, और अच्छा भी नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि गाड़ी 8-9 घंटा लेट चल रही है। लेट हो गया गाड़ी, और पहले तो रायपुर में ही लेट था। बाकी मजा आ रहा है जर्नी करते हुए। झांसी पहुंचे, झांसी पहुंचे, ट्रेन का सफर मजा आ रहा है। बोल रहे वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, याद रहेगा कर। हाय हेलो गाइस, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रहा है, ग्वालियर में आए हैं तो, और ट्रेन तो ऐसी लेट है, हम लोग का मूड अपसेट हो चुका है। हेलो, उस सुबह आगे की बात करेंगे। आगे स्टेशन का हाल चाल बताएंगे, आगे बाद में बताएंगे भैया, आगे लाइव दिखाएंगे लाइव। आप ही कहा है टीवी में, मेरे को मत बोलना, फिर क्या डाल दिया। उल्टा सीधा डाल दिया, मत बोलना, हटाओ मत बोलना। चाय का मजा लेते हुए, हाँ दोस्तों पानीपत जंक्शन पहुंच गया, पानीपत। ये देखो लिखा होगा इधर, ये देखो, और सूर्य नहीं डूबा हुआ है, और सूरज नहीं डूबा हुआ है, गर्मी है काफी, 7:07, सूरज नहीं डूबी है। हेलो गाइस, हेलो गाइस, जीजा जी का बस हेलो गाइस चलता है, हो गया लग रहा है। चलो ट्रेन छूट रहा है, हो गया, चलो चलेगा ना। करनाल पहुंच गए हैं, करनाल दोस्तों, करनाल पहुंच गए हैं। देखो इधर सनसेट हो रहा है, क्या दिख रहा है, खेती खेत, क्या व्यू है इधर का, देख लो गोल्डन सनशाइन आ रहा है। उधर उधर वो है जेसीबी खड़ा था उधर, तो अच्छा है। काफ़ी लेट हो गया ट्रेन तो, 8-9 आवर्स लेट हो गया है, और वो रहा ट्रेन भी मोड़ रहा है। व्यू तो देखो क्या जबरदस्त है, जीजा जी भी आ गए भैया। हेलो, क्या बोल रहे हो कुछ? गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, जय जोहार, आप मल्ला। बस करनाल पहुंच गए, कैसा लग रहा है? करनाल पहुंच के अभी हम लोग को लग रहा है कि अब एक आशा को उम्मीद जगी है कि अब पहुंच ही जाएगी ट्रेन। जम्मू तो वही कट रहा था, और हम लोग वहां से फिर उधर के अपना नेक्स्ट यात्रा की तैयारी करेंगे, अग्रसर होंगे आगे आगे, फिर उधर से लाइव दिखाएंगे आप लोग को। कट 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 कट।
हेलो गाइस, नमस्ते।